एक पासे जिथे सारा देश अपने 67वें गणतंत्रता दिवस नूं बड़े जोश नाल मना रहा सी, उत्थे गुरदासपुर के कस्बा कानूवाल च यह दिहाड़ा बड़े अलग ही अंदाज च मनाया गया। इस मौके दीनानगर और पठानकोट च होए अतवादी हमले के शहीदों नूं इस गणतंत्रता दिवस से श्रद्धांजलि देने लई एक कैंडल मार्च कढ़िया गया। इस कैंडल मार्च च नौजवानों तो इलावा शहीदों के परिवार वाले ने भी वध चढ़ के हिस्सा लिया। इस कैंडल मार्च च लोगों ने मोमबत्तियों के नाल नाल शहीदों दी तस्वीर भी फड़िया हुई सन। यह कैंडल मार्च कई बाजारों चो होकर निकलिया। इस कैंडल मार्च च लोगों ने शहीदों के नाम के जयकारे लाए। शहीद कुलवंत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद फतेह सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। इस मौके ते शहीद कुलवंत सिंह अते शहीद फतेह सिंह दे परिवार वाले ने कहा कि उन्होंने शहीदों की शहादत ते गर्व तो है पर एक दुख भी है जो शायद घट ना सके। सर, मैं अपने फादर को सल्यूट करता हूँ। बहुत गर्व है कि हमको अपने इलाके में इतना कुछ, इतनी इज्जत दी गई उनके, सब उनके कारण हुआ। उनकी जो शहीद हुआ उनके कारण सब सम्मान हमको दिया गया, और जो भी शेख मां साहब ने बोला है और जितनी इज्जत हमको दी है, मतलब कि इज्जत तो दी है, मेरा दुख होता है फादर के बचाने का, जो दुख है वो बहुत है। मैं ज़्यादा फादर साथ में होते तो मैं सोचता कि ज़्यादा खुशी होती इससे ज़्यादा। गर्व तो होता है पर बच्चों को तो सुना महसूस होता है ना, लेडीज को तो हमेशा ही ऊन रहेगी ना थोड़ी पूरी। और नया साल तो हमारे लिए खुशियाँ के लिए बेरहमान लेके आया ना, नवे साल के दूसरे दिन ही ऐसा हो। और गर्व तो है यार कि चलो मेरे पति ने इतना बड़ा काम करा है, और ये बात कहनी बड़ी शहीद से औखा होता लेकिन औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कुलवंत सिंह दे बेटे ने कहा कि वो अपने पिता दा उसनू आर्मी अफसर बनाने दा सपना हर हाल च पूरा करेगा। सर, मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्व है सर, बहुत माण है सर मैंने अपने पापा दे। लेकिन सर दुख यही गल है कि उन्होंने घाट बहुत रिड़कती है सर, मैंने उन्होंने सर बहुत ज़्यादा होती है पापा की, सर उन्होंने कमी कभी पूरी नहीं हो सकती सर। हाँ जी सर, मैं जरूर जाना चाहवागा, मैं अपने पापा की तरह ही बनना चाहवागा अगे, जबकि उन्होंने भी दो नंबर तो ऑफिसर ही बनना चाहवागा, एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहवागा। उधर इस कैंडल मार्च की अगवाई कर रहे सबका मंत्री और अकाली नेता सेवा सिंह सेखवा ने कहा कि इन्हों शहीदों के परिवारों को पंजाब सरकार वालों 25-25 लाख रुपए और परिवार के एक एक मैंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस तो अलावा शहीदों के नाम से एक राज पदरी टूरनामेंट भी शुरू किया जाएगा। अज असी एक छोटी जी कोशिश की है कि उन्हां शहीदां नूं सल्यूट करन वास्ते असी कानूआन कस्बे दे विच एक कैंडल मार्च जिहड़ा ओह कीता आ, तां कि असी अपने इलाके दे शहीदां नूं सल्यूट कर सकीए। उहदे विच सैकड़ियां दी गिनती विच लोक भी हाजर होए ने, ते सब तों वड्डी गल कि शहीदां दे परिवार उहनां दीआं अपने धर्म पत्नियां उहनां दे बेटे वह भी इस मार्च के शामिल होए ने। तो मैं समझना जो मान सम्मान सानू चाहिए है कि असी अपने शहीदों की दईए वो असी किया। आने वाले समय में मैं दोवे परिवारों इस गल का विश्वास दवा कि सरकार वालों जो ऐलान कीतियां हुई सहूलत ने कि 25-25 लख रुपया दो शहीदों के परिवारों दिता जाएगा, उन्होंने एक एक परिवार मैंबर न पंजाब सरकार अपनी नौकरी देगी, तो उन्होंने पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी ला के देने वास्ते पंजाब सरकार उन्होंने केस रिकमेंड करके ते सेंट्रल गवर्नमेंट नू भेजेगी कि शहीदों की पहली बरसी से ही असी उन्हां दी याद विच एक स्टेट टूरनामेंट जिहड़ा वो शुरू करांगे, ते उन्हां दी हर बरसी से वो टूरनामेंट जिहड़ा वो करवाया जाया करेगा। गुरदासपुर तो गुरप्रीत सिंह चावला की रिपोर्ट, 5 आप टुडे।